जी वाली वाली फिराल फिराल चल रही है ऊपर है उन्होंने भी वॉक आउट कर दिया लेकिन वो जब रेडी हो जाए तो मैं आता हूँ ये शुरू करवाएं नहीं तमाम साथी का बहुत शुक्रिया आज यकीन हमारा इरादा तो यही था शायद ना देरी हम कोई तकरीर लिखकर लाते हैं कोई तैयारी करते हैं अक्सर काउंसिल गरीब होते हैं लेकिन आज काफी तैयारी करके आए क्योंकि आज बहुत बहुत एक इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन थी आर्मी एक्ट के हवाले से और वो सुप्रीम कोर्ट ने जो जो डायरेक्शन जारी हुई थी लेजिस्लेशन आर्मी चीफ के एक्सटेंशन से रिलेटेड लेकिन जिस तरीके से आज जो हाउस को चलाया गया जिस तरीके से पूरे प्रोसेस को बुलडोज किया गया मेरे ख्याल में ये इंतहाई काबिल मजम्मत भी है हम तो अभी हमने फ्लोर लेने की कोशिश की लेकिन जिस तरह नॉर्मली वो करते हैं वो बुलडोज करते जा रहे थे अमेंडमेंट पर अमेंडमेंट क्लॉज बाई क्लॉज पेश करते जा रहे थे हम अपोज कर रहे थे हमने फ्लोर मांगा कि ये इतनी अहम रेजुलेशन है कि इस पर बात जरूर होनी चाहिए यहाँ पर मतलब हमें अपनी कौम ने भेजा है हमने अपने हमें अपने नुमाइंदे बनाकर उन्होंने भेजा है तो वो लोग देखते हैं कि हमारे नुमाइंदगान क्या फैसला करते हैं हमारे मुस्तकबिल में ये पर्दे के पीछे जो बातें होती है जो जो मुताजरात होते हैं उसको फ्लोर ऑफ द हाउस उन तमाम चीज़ों पर उस पर डिबेट होनी चाहिए मैं थोड़ा सा इस पर हिस्ट्री मैं जाऊंगा उसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी बयान करूंगा ये जो रजिस्ट्रेशन आज हो रही है सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया जो डायरेक्शन दी मेरे ख्याल में वो ही पता था खुद एक ऐसा फैसला था क्योंकि कानून में या तो एक चीज वैलिड होती है या फिर इनवैलिड होती है देयर इज नो अदर वे इन बिटवीन अगर इस चीज की गुंजाइश नहीं थी अगर इस चीज की गुंजाइश नहीं थी तो फिर वही एक्सेप्शनलिज्म से काम लिया गया और एक रास्ता दिया गया कि आप लोग आगे जाकर रजिस्ट्रेशन करें अगर एक चीज अनमेरिट थी तो फिर ये प्रोसेस ही अनमेरिट था ये जो एक्सटेंशन का जो अमल हुआ था फिर वो ही इटसेल्फ एक इनमेरिट एक्शन था तो उस चीज को ही नलीफाइड कर दिया जाना चाहिए था बजाय कि आप आगे ये डायरेक्शन देखिए भाई आप लोग जाकर छह महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन भी करो और छह महीने के लिए हम इस चीज को रेक्टिफाई भी करते हैं मतलब उसी नजरिया जरूरत से एक दफा फिर काम लिया गया और नजरिया जरूरत के तहत अदालत ने ये फैसला किया अदालत ने हुक्म दिया अदालत ने डायरेक्शन दी पार्लियामेंट को अब पार्लियामेंट को भी पर ये कहना चाहिए थे कि पार्लियामेंट के पास जब अख्तियार आ गया है तो कानून साजी इदारों के किरदार को मुतय्यन करने के लिए होनी चाहिए न कि चंद अपराध को फैसिलिटेट करने के लिए तो वो प्रोसेस जो चल पड़ा लेजिस्लेशन का और लेजिस्लेशन के लिए जिस तरीके से रात इजलास बुलाया गया और इजलास के बाद फिर जो प्रोसेस यहाँ पर अडॉप्ट किया गया जिस तरीके से वो स्टैंडिंग कमेटी से सबसे बुनियादी चीज जिस पर हम किसी रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट नहीं है ठीक है तो पार्लियामेंट में काम ही रजिस्ट्रेशन करना है लेकिन डिबेट से क्या हमें हम डरते क्यों है डिबेट से सबसे बुनियादी मसला ही हमारा यही है कि हम डिबेट से क्यों डरते हम क्यों कर रहे हैं जिस तरीके से दिल को छुपाया गया था ना किसी को खबर थी ना किसी को कॉन्टेंट का पता था कि फिल्म की कॉन्टेंट क्या है फिर जब ये फिल्म पब्लिक हुआ उसके बाद होना ये चाहिए था जो पार्लियामेंट में डिबेट ही नहीं होगी हम डिबेट से डरते क्यों अगर एक चीज में कोई बुराई नहीं है एक चीज कौन के मफाद में इस मुल्क के मफाद में है तो उसमें बुराई डिबेट होनी चाहिए डिबेट से हमें कतराते क्यों है डिबेट से हम
तभी कतराते हैं मेरे ख्याल में जब हमारे अंदर हम महसूस कमी है, कोई कमजोरी है इस बिल में, हम किसी चीज को छुपाने की अगर कोशिश करेंगे तो उसके बाद हम उस चीज को डिबेट के लिए पेश नहीं करेंगे। हमने आज कुछ तजावीज भी दे दी थी डिबेट की है कि जब मुख्तलिफ सोच फिक्र के हमें अफराद पार्लियामेंट के फ्लोर पर अपनी राय देते हैं तो वो जब कलेक्टिव विजडम फिर बाहर निकलती है उसके बाद मजीद बेहतर फैसले भी हो सकते थे, मजीद बेहतर मतलब कानून साजी भी हो सकती थी। तो हमारा तो एक मशवरा ये भी था कि इस चीज को वंस एंड फॉर ऑल सेटल डाउन हो जाने चाहिए कि मजीद ये हर वक्त की कॉन्ट्रोवर्सी उभरे ही ना। बहरहाल उस पर एक काफी हमने मवाद भी इकट्ठा किया था, काफी उस पर हम हमारा इरादा भी था कि हम अपना लेकिन आज फिर जिस तरीके से प्रोसेस को बुलडोज किया गया मैं एक इंतहाई मायूसकुन दिन समझता हूँ आज के इस दिन को। और मैं जो मायूसी पाकिस्तान के सियासी वर्कर्स के दरमियान देख रहा हूँ तो वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत के लिए और पाकिस्तान में सिविलियन सुप्रीमेसी की जो ख्वाहिश कंसेप्ट है उसके लिए मैं कुछ नए शब्द देख रहा हूँ। वो जो ख्वाहिश थी जमहूरी सियासी वर्कर्स के दिलों में के एक प्रोसेस पर चल पड़ा था, एक हकीकी जमहूरी फेडरेशन की तरफ वो मैं उसका वो ख्वाहिश उस ख्वाहिश को आज मैं बनते हुए देख रहा हूँ। तो इंतहाई जिंदगी वाली से है पाकिस्तान अक्रॉस द कंट्री जितने भी सियासी वर्कर चाहे जिस भी पोलिटिकल पार्टी से है मैं ख्याल उन सबके लिए आज का दिन इंतहाई मायूस कुल है। इस तरह नहीं होना चाहिए था। मौलाना साहब ये अपनी बात करेंगे, मैं सिर्फ इस शेर के साथ इजाजत चाहूँगा कि हवा के जोर से पिंडार बम उधर भी गया, हवा के जोर से पिंडार बम उधर भी गया, चराग को जो बचाते थे ठीक नगर भी गया। बहुत शुक्रिया।